Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हर व्यापार हर कारोबार के कुछ नियम कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आज नगद कल उधार, यानी कि उधार पर माल नहीं मिलेगा, या चाहे कुछ हो दुकान तो समय पर ही खुलेगी। इस तरह के नियम हर व्यापार हर कारोबार हर व्यवसाय में होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के भी कुछ मूल नियम हैं। आप चाहे चार्ट्स देखने में कितने ही पारंगत क्यों ना हो, अगर इन नियमों को आप फॉलो नहीं करते हैं या इनके बारे में जानते ही नहीं हैं, तो इंट्राडे में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो क्या है ये रूल्स और कैसे इनको इंप्लीमेंट किया जाता है, ये आज के इस बेमिसाल वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो नियम मैं आपको बताऊं उनको कागज पर दर्ज कर लीजिए और एक एक नियम को पूरी तरह से पूरी कड़ाई से फॉलो कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। नमस्कार, जय श्री राम। कुछ दिनों पहले की बात है, दुबई में बसे अपने एक मित्र से मैं चर्चा कर रहा था जो वहां बैठे इंट्राडे ट्रेड किया करते हैं, और मैं उनसे कहने लगा कि भाई इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो ये दो तीन बातों का ख्याल जरूर रखना। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर, आपने ये जो बातें बताई हैं इस पर एक वीडियो होना चाहिए, क्योंकि ये बातें बहुत काम की हैं। तो उन्हीं के सुझाव पर आज का ये वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, और वीडियो बन जाने के बाद मुझे भी रियलाइज हुआ कि वीडियो वाकई में कुछ ना कुछ काम आपके ज़रूर आएगा। तो देखिए, नियम यानी रूल्स हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के, और ये रूल्स कई बार इंट्राडे ट्रेडर्स को पता ही नहीं होते हैं। चार्ट्स देखने में इंडिकेटर्स के पीछे भागने में इतने हम व्यस्त हो जाते हैं कि इन बुनियादी नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, और उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। लाख कोशिशों के बावजूद इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता नहीं मिलती, और उसकी मूल वजह इन नियमों की अनदेखी करना होता है। तो क्या है ये नियम, आइए झट से जानते हैं और फिर इन्हें अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में लागू करते हैं। और देखिए, पहला नियम, इसे आपको पूरी कड़ाई से लागू करना है। पहला नियम यह है कि मान लीजिए आपने इंट्राडे ट्रेड लिया, फिर चाहे वो ऑप्शन में लिया हो, स्टॉक में लिया हो, 5 मिनट का चार्ट देखकर लिया हो, या 10 मिनट का या 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट देखकर आपने कोई इंट्राडे पोजीशन बनाई। आपके पोजीशन बनाने के बाद इस पोजीशन में मुनाफा आना शुरू हुआ। पहले 500 रुपए, फिर 2-3 हजार रुपए मुनाफा बढ़ रहा था। आप मन ही मन मुस्का रहे थे, खुश हो रहे थे कि वाह क्या ट्रेड लिया, देखो प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन आप इंतजार कर रहे थे या तो अपने टारगेट का या प्रॉफिट के साइजेबल बड़ा हो जाने का, जिससे कि आप पोजीशन को काटे। आप पोजीशन से एग्जिट कर पाए इससे पहले ही शेयर की कीमतें धीरे धीरे करके नीचे सरकने लगी। पहले हौले हौले और फिर तेजी से शेयर नीचे जाने लगा। जैसे ही आपका मुनाफा छूमंतर हुआ, अब देखिए करना क्या है, प्रॉफिट की पोजीशन को लॉस में तब्दील होने का मौका नहीं देना इंट्राडे में। देखिए, इंट्राडे में किसी पोजीशन से मोह नहीं करना है। इंट्राडे की पोजीशन आती जाती रहती है, लोकल ट्रेन के समान होती है, एक जाएगी दूसरी आएगी, इसलिए उनसे कोई मोह नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपने कोई इंट्राडे का ट्रेड लिया, वो प्रॉफिट में आ रहा था, प्रॉफिट अच्छा आया, आपने किसी वजह से बुक नहीं किया, अब वो नुकसान में तब्दील हो रहा है, उसको नुकसान में जाने का मौका नहीं देना है, तुरंत काट दीजिए। कॉस्ट का स्टॉप लॉस रखिए, ज्यादा हो तो कॉस्ट से हल्का सा नीचे रख लीजिए, लेकिन आपको किसी भी कीमत पर इंट्राडे पोजीशन जिसमें आपने प्रॉफिट देखा है उसे लॉस में बदलने नहीं देना है। देखिए, अगर आप अपने पुराने स्टेटमेंट्स खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि अक्सर ऐसा हुआ होगा कि यही पोजीशन सबसे ज्यादा दर्द दे करके जाती हैं, नासूर बन जाती हैं। यानी देखिए, नियम बहुत साफ है, इंट्राडे में प्रॉफिट की पोजीशन को अगर लॉस में तब्दील होते आप देख रहे हैं तो तुरंत एग्जिट कर जाएं, लॉस को बढ़ने का मौका ना दें। इसका मतलब कहीं गलती हो गई, चूक हो गई, निकल जाए। हो सकता है कि शेयर थोड़ा नीचे जाने के बाद वापस तेजी से ऊपर आ जाए, फिर प्रॉफिट में आ जाए, फिर देखा जाएगा, लेकिन एक बार के लिए निकल जाना बेहद जरूरी है। देखिए, दुनिया तमाम
मौत के मुंह में से जिंदगी को ले आती है, हार के मुंह से जीत को ले आती है। हमें जीत के मुंह से हार को लेकर के नहीं आना है। तो अगर पोजीशन आपके विपरीत जा रही है तुरंत निकल जाए, प्रॉफिटेबल पोजीशन को लॉस में जाने का मौका नहीं देना है। यह है नियम नंबर वन। नियम नंबर टू यह है कि मान लीजिए आपने इंट्राडे के लिए कोई शेयर बाय किया, पूरा बाजार बढ़ रहा है, बाजार में बड़ी तेजी, बड़ी रौनक, बड़ी हरियाली है, पूरी स्क्रीन ग्रीन है, लेकिन आपने जो शेयर पसंद किया बेमिसाल लाखों में एक, बिल्कुल हिल करके ही नहीं दे रहा है, यानी कि बाजार बढ़ता जा रहा है और ये साहब आराम से धुनी जमाए जहां थे वहीं पर विराजमान हैं। देखिए कुछ समय सब्र कीजिए, लेकिन अगर आपका शेयर नहीं हिल रहा है तो देखिए जरूरी नहीं है कि इन्हीं का साथ आपको जीवन पर्यंत निभाना है। अगर नहीं चल रहा है तो तुरंत इनसे किनारा कीजिए, दूसरी गाड़ी पर सवार हो जाइए। अगर बस रुकी हुई है तो उस बस में कितनी देर बैठे रहेंगे, दूसरी बस में तुरंत शिफ्ट कीजिए। तो याद रखिए कि अगर आपका शेयर इंट्राडे में नहीं चल रहा है, पूरा समय उसमें बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अक्सर देखा गया है कि जो बहुत समय तक रुके रहते हैं, बाजार तेज होता है ये रुके रहते हैं, वो अक्सर नीचे चले जाते हैं और फिर बड़ा नुकसान का कारण बनते हैं। तो याद रखिए इस बात को कि अगर गाड़ी नहीं चल रही है तो गाड़ी से तुरंत उतर जाइए। अब देखिए तीसरा नियम बहुत काम का है, ये जीवन की सच्चाई है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो ना तो कोई किताब में कभी मिल सकता है, ना किसी वीडियो में मिलेगा, ना कोई आपको बताने यहाँ खाली बैठा है। याद रखिए कि जीवन का संचित ज्ञान है, रियल लाइफ ट्रेडिंग है, आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि देखिए जब कभी आपने कोई इंट्राडे के लिए शेयर खरीदा, अगर मान लीजिए आपके खरीदने के बाद निफ्टी भी नीचे आ जाती है, बाजार भी नीचे आ जाता है, तो आपका शेयर हल्का फुल्का थोड़ा सा नीचे आ जाए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही निफ्टी तेज हो, जैसे ही बैंक निफ्टी दोबारा तेज हो, आपके शेयर को दौड़ लगानी चाहिए। यानी अगर आपका शेयर निफ्टी के तेज होने पर तेजी से नहीं ऊपर जा रहा, इसका मतलब उसमें वो दम नहीं है। देखिए हमें उस चार्ट पर, उस शेयर पर दाव लगाना है जो निफ्टी के बनिस्पत तेजी से ऊपर जाता हो। जैसे ही निफ्टी हल्का सा ऊपर जाए, ये और तेजी से ऊपर जाए, ऐसे शेयर्स चुनने हैं। देखिए जिस किसी शेयर में भी दम होता है, इंट्राडे का जो विनर होता है, अगर आप उसके इंट्राडे मूवमेंट को देखें, वो बेकरार होता है ऊपर जाने के लिए। हल्की सी उसे छूट मिले, हल्का सा बाजार साथ दे, वो तेजी से ऊपर सारे दरवाजे तोड़ करके बाहर आ जाता है। ये उसकी फितरत होती है और ऐसे ही शेयर पे दाव लगाकर इंट्राडे में पैसा बनता है। तो अगर मान लीजिए बाजार सुधर रहा है लेकिन आपका शेयर उस तरह से तेजी नहीं दिखा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है लेकिन कोई खास उफान नहीं है, किनारा कीजिए, उससे दूसरा कोई शेयर छांटिए। बाजार में अवसरों का अभाव नहीं है, आपके शेयर को निफ्टी से ज्यादा तेज तरार होना चाहिए। नियम नंबर चार यह है कि मान लीजिए आपने इंट्राडे के लिए कोई शेयर खरीदा जिसमें दाम बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, इनलिक्विड शेयर है, अभी दाम था 300 रुपये, अगली टिक में दाम देखते हैं 301 रुपये, फिर दाम देखते हैं 304 रुपये, इस तरह के शेयर में काम करना बड़ा ही मुश्किल काम है। इंट्राडे में लिक्विड शेयर्स पर ही आपको फोकस रखना चाहिए। लिक्विडिटी मतलब तरलता, यानी कि शेयर में भरपूर तरलता होनी चाहिए। उस शेयर में आप जब चाहे प्रवेश कर पाएं, जब चाहे उससे एग्जिट कर पाएं। अगर उसमें लिक्विडिटी कम है तो ऐसे शेयर में काम करना मुसीबत को दावत देना है। ऐसे शेयर से दूर रहिए, लिक्विड शेयर में रहिए, भले ही पैसा दो कम बन जाए लेकिन आपकी पूंजी सुरक्षित रहेगी, आप टिके रहेंगे, अगले दिन ट्रेड करने योग्य बचे रहेंगे। तो जिस भी शेयर में लिक्विडिटी ना हो, फ्रीज लगते हो, बहुत इरेटिक प्राइस चेंज इंट्राडे में दिखता हो, दूर रहिए। जो खबरों पर चलता हो उससे भी थोड़ा दूर रहिए। तो शेयर का चुनाव थोड़ा ठोक बजा करके कीजिए, इंट्राडे में बहुत ज्यादा शेयर्स नहीं चाहिए, 2-3 शेयर भी अच्छे आपने पकड़ लिए काम हो जाता है। इंट्राडे में याद रखिए अपर साइड की बिड जरूर डाल के रखिए, एम्बिशियस बिड डालिए, बड़ी बिड डाल दीजिए लेकिन डालिए जरूर, क्या पता कब भाग्य का छीका टूटे और किसी तेजी में आपको वो दाम दिख जाए। कई बार मेरे अनुभव में ऐसा हुआ है कि आपने शेयर खरीदा इंट्राडे का, आप तो सोच रहे थे 100 रुपये पर खरीदा है, 101 102 भी इंट्राडे में हो जाएगा तो 1-2% लेकर बाहर आ जाएंगे, लेकिन आपने यूं ही बिड डाल दी 104 की, आपको पता ही नहीं लगा कि कब किसी उफान में 104 का दाम आया और आपको बैठे बिठाए अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो इंट्राडे की पोजीशन लें, हमेशा ऊपर की बिड जरूर डाल दें, कोई खर्चा नहीं है बिड डालने का, जरूर बिड डाल करके रखें, क्या पता कौन सी बिड कब सफल हो जाए।
तो ये है इंट्राडे ट्रेडिंग के रूल्स। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रूल्स के साथ कीजिए, प्रोफेशनली कीजिए, इन छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए। कोई खास मुश्किल नहीं है, कोई खास आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है, लेकिन ये छोटे छोटे नियम फॉलो करके सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, नुकसान होने की भी संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ बांटते रहिएगा। मैं भी इसी तरह से आपके साथ अपने जीवन के अनुभव इस चैनल के जरिए बांटता रहूंगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।